नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज और आपके साथ मैं हूं अमित रतुड़ी। जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे कई सारी चीजें निकल कर भी सामने आ रही हैं। और बीते रोज जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी के दीपक बिजवान को सरकार की तरफ से बर्खास्त कर दिया गया है, जिला पंचायत के जो अध्यक्ष के पद से। हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूरी बातचीत करेंगे। बिजवान जी, एक चीज ये जानना कोशिश करेंगे कि आपको पद से हटा दिया गया है, एसआरटीई जांच के निर्देश भी दिए गए हैं, जो आपने अनियमितता के आरोप जो आपके लगे हैं, कितना सही है, क्या कुछ इसमें आपका रिएक्शन है? मैं बता चुका हूं कि जिला पंचायत अध्यक्ष के अंतिम जांच अधिकारी कमिश्नर मोदी होते हैं, और कमिश्नर मोदी की अंतिम जांच में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजवान को क्लीन चिट दी गई है। मेरे को किसी भी बिंदु में दोषी नहीं पाया गया है, एक बात। दूसरी बात, सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कोर्ट में, और अब बाकायदा एफिडेविट देखिए, ये कहा है कि हाँ, जिला पंचायत उत्तरकाशी में अध्यक्ष चेयरमैन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय गड़बड़ियां नहीं हुई है, ये एक्सेप्ट किया हुआ है कोर्ट अपने एफिडेविट में, शपथ पत्र में, जो 18/11/2021 को दिया है इन्होंने। सेकेंडरी ये था कि, और इन्होंने कहा है कि कोई बड़ी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कोई गड़बड़ियां नहीं हुई है। अब आप बताइए, खुद तय कर रही है, जनता तय कर रही है कि इन्होंने जांच कराई, इन्होंने क्लीन चिट दी, यही कोर्ट में जवाब दे रहे हैं कि जी कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो ये सब जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 3 दिन पहले जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजवान ने कांग्रेस ज्वाइन की है, और दीपक बिजवान यमुनोत्री विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, और इन्हें मालूम है कि इनकी जो गुणा भाग की सीटें हैं वो गड़बड़ हो रही हैं। तो होंगी, क्योंकि जनता ने दीपक बिजवान को बनाया है, और जिला पंचायत अध्यक्ष का पद कोई मुझे भाजपा के आकाओं ने नहीं दिया है, मेरी जनता जनार्दन ने दिया है, और जनता जनार्दन ने तय कर चुकी है विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे और इनको भी 2022 में सबक सिखाएंगे। आप निर्दलीय से वहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, आप जीते, उससे पहले आप अगर हम बात करें तो आप कांग्रेस की अगर हम बात करें, आप वहाँ पर छात्र संघ में चुनाव में भी आप अध्यक्ष रहे हैं, क्या ऐसा क्या चीज़ है कि आप कांग्रेस में आप ज्वाइन किया है, कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक द्वेष भावना है कि आप कांग्रेस जैसे आपने ज्वाइन किया वैसे आपके ऊपर ये अनियमितता का आरोप लगा और आपको हटाया गया, कहीं आप मानते इसको राजनीति से? भाई, 2 साल हो गए जाँच करते करते, और आज ठीक आचार संहिता से पहले याद आया कि इसको हटाना है, ये घमंड में है। मैं धामी जी आपसे कहना चाहता हूँ, आप बहुत घमंड में हो, खटीमा बचा लो अपना, वहाँ भुवन दा जीत रहा है, ज्यादा क्या कहना, बाकी रिजल्ट आने वाला है। एक चीज और भी है कि सुनने में ये भी आ रहा है कि आपने कांग्रेस जैसे आपने ज्वाइन किया, और आप यमुनोत्री से दावेदार भी हैं, पेश कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, 2022 को लेकर, सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ कांग्रेस के ही या पार्टी के कुछ लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि आप वहाँ से चुनाव लड़ें, इस पर क्या कहना है? 2022 दीपक बिजवान चुनाव जीत रहा है, और आप सब भाइयों के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से हम विधानसभा में जाने वाले हैं। जो एसआईटी जो जांच हुई है, इस पे आगे का आपका क्या रोड में रहेगा, क्या आप इसमें काम करेंगे आगे? ये फर्जी आदेश है, इस आदेश को मैं नहीं मानता हूँ। तो ये थे हमारे साथ दीपक बिजवान, जिला पंचायत अध्यक्ष ये रहे हैं उत्तरकाशी से, और सरकार की तरफ से इनको चुनाव से जस्ट पहले आचार संहिता लाइन से इनको हटा दिया गया है। साफ तौर पर यही कहना है, कहीं ना कहीं सरकार जो है देश द्वेष भावना के साथ काम कर रही है, और दीपक बिजवान का साफ तौर ये भी कहना है कि इनको फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार के जो आदेश हैं वो कहीं ना कहीं वो तथ्यहीन हैं, और वो चुनाव जीतेंगे यमुनोत्री से, और उनकी दावेदारी प्रबल है। देवभूमि न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित रतुड़ी की रिपोर्ट।